आज के इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर ऑल द सीवीटी एलएमपीजी कैंडिडेट्स। और इस वीडियो के अंदर उस चीज को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे फिर से कहना चाहूंगा कि अगर आप इस बार सीवीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मान लीजिए मॉक पेपर्स में एनरोल होना है, तो आप केवल 1599 के अंदर मॉक पेपर सीरीज के अंदर एनरोल हो सकते हैं हमारे संभव ब्लॉग की। इसमें आपको सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन, 30 मॉक पेपर्स जिसमें 10 लाइव और वो आपके 20 प्रैक्टिस मॉक पेपर्स, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको यहाँ पे उसमें रहेगा। ये जो आपका प्राइस है ये आपका 31st of January तक यहाँ पे वैलिड रहेगा। इसका जो कोर्स प्राइस रहेगा वो, और अगर आपको मान लो पूरा प्रिपेयर करना है और आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ से प्रिपेयर करूँ, बेस्ट तरीका क्या रहेगा प्रिपेयर करने का, तो आप हमारा सीवीटी का कंप्लीट एडमिशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोगों ने पढ़ाया है वीडियो लेक्चर फॉर्मेट में, स्टडी मटेरियल भी सबका दिया है जो मॉक पेपर सीरीज थी इसके पहले, वो इसमें पूरी इंक्लूडेड रहेगी। साथ ही में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज आई सेड रहेंगे, साथ ही मैं खुद भी वहाँ पे आपके लिए मेंटरशिप के लिए अवेलेबल रहूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना है तो ये आपका 3199 में आप इसको एनरोल यहाँ पे कर सकते हो 31st of January तक, यहाँ पे ऑफर ये रहेगा। तो अगर आपको एनरोल करना है स्टूडेंट्स आप देख सकते हो। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे जिस बारे में बात करना चाह रहा था, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में। ये अनाउंसमेंट है इस बारे में कि हम लोग यहाँ पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट करने वाले हैं सीवीटी एलएमपीजी के लिए। ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट होगा ये आपका 4th of February को कंडक्ट होगा, ये मैं आपको बता दूँ 4th of February को। और इसका जो टाइमिंग रहेगी ये आपका दिन में होगा शुरू 12 बजे से, 12-12 जो आपका होता है 12 उससे शुरू होगी, और उसके बाद ये आपका जाएगा सीधे शाम के 6 बजे तक। और अगर मान लो ऐसा रहता है कि मान लो स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, थोड़ा सा हम लोग हो सकता है टाइम को एक्सटेंड कर दें, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका 12 बजे तक चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, हम डिपेंड करता है कि कितना वो रहता है। इसके अलावा ये जो आपका मॉक टेस्ट रहेगा इसमें आपका एज यूजुअल जो पैटर्न है आपका 75 क्वेश्चंस का ये आपका रहेगा, और इसमें आपके लॉ के जितने सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे सीवीटी के आपके पेपर के पैटर्न के अंदर, उस सबके ऊपर बेस यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 1 मार्क्स से 4 मार्क्स का ये पूरा आपका पेपर, अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको सीधा सीधे इसमें रहेगा, मतलब टोटल आपका 300 मार्क्स का पेपर ही आपका होगा। और 1 आवर 45 मिनट्स आपको यहाँ पर रहेंगे पेपर को करने के लिए। और अगर आप इस पेपर के अंदर टॉप करते हो तो हमारे जो यहाँ पे टॉप 3 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, उनको हम लोग संभव ब्लॉग की तरफ से फुल स्कॉलरशिप देंगे। जो हमारे कोर्सेज है उसके अंदर आपको टॉप 3 जो स्टूडेंट्स रहेंगे हमारे, चाहे वो आप क्लैट का अपना वो हो, चाहे वो आपका सीवीटी का हो कोर्स, आपको जिस भी कोर्स में एनरोल करना होगा वो आपको टोटली फ्री रहेगा टॉप 3 स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पे ये बता दूँ। और फिर उसके आगे के जो आपके स्टूडेंट्स होंगे उनको अकॉर्डिंगली हम लोग उस जब एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि उनके लिए क्या यहाँ पे वो रहेगा। तो मैं आप सबसे ये अर्ज करूंगा सारे स्टूडेंट से कि आप लोग जरूर से स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर प्लीज पार्टिसिपेट करिए, ताकि आप लोग को ये पता चल पाए कि आप लोग कहाँ पे स्टैंड करते हो, कितनी आगे प्रिपरेशन है, कितना आपको और अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स इस पेपर को देंगे, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ये कोशिश करेंगे यहाँ पे अच्छा वो स्कोर करें, तो आप लोगों के लिए भी बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है इस चीज़ को करने के लिए। जहाँ तक बात ठहरी है कि इसको आपको अटेम्प्ट करना कैसे है, तो उसको आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसका जो लिंक होगा वो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल्स के ऊपर हम लोग डाल देंगे यहाँ पे 12 बजे जो आपका टाइम है 4 तारीख को, 4 फरवरी को संडे का टाइम है आपका, डल जाएगा। तो आपको उसी समय वहाँ पे अपना ऑनलाइन रहिएगा, आपको लिंक मिलेगा, लिंक जैसे ही आप खोलोगे अपना वो आप लॉगिन करोगे आपका शुरू हो जाएगा टेस्ट, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और ये ध्यान रखिएगा कि सिंगल अटेम्प्ट रहेगा उसमें, मल्टीपल अटेम्प्ट्स का ऑप्शन नहीं होगा, सिंगल अटेम्प्ट होगा, ताकि सारे स्टूडेंट्स के साथ फेयर वो चीज़ हो पाए, मल्टीपल वो ना हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप लोग सीरियसली इस पेपर को लीजिएगा, तैयारी अपनी जो भी आपको करनी है प्लीज़ कर लीजिए और इस पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करिए। और साथ ही में ये भी देखिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और अगर आप टॉप करते हो तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो फिर अपनी प्रिपरेशन को इसके आगे आप और मजबूत करने की कोशिश करिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मान लीजिए कि आपको डाउट्स है, कोई चीज़ आपको पूछनी है यहाँ पे सीयूटी की रिगार्डिंग, तो आप उसे कमेंट्स नीचे पूछ सकते हो। आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर यू फॉर सक्सेस। बाय।